किस तरीके का रोग है ये चेचक और क्या है इसकी रोकथाम? एक ऐसा रोग है जिसमें छोटे छोटे दाने से शरीर में हो जाते हो हैं, जाते हैं। और जब पकता दाना तो इसके अंदर से चने के दाने, मसूर के दाने बराबर छोटे छोटे पीस निकलते हैं और वहाँ दाग पड़ जाता है, और आँखों के अंदर यदि इसके पड़ गए तो आदमी अंधा भी हो जाता है। ये बीमारी काफ़ी खतरनाक है। अब तो खैर इस पर काफ़ी कंट्रोल है, और इसके जो दाग पड़ जाते हैं इसका कोई भी एलोपैथिक में, आयुर्वेद में इलाज नहीं है। एलोपैथिक में तो प्लास्टिक सर्जरी करके इसको भरते हैं, परंतु वो भी न गर्मी सर्दी दोनों बर्दाश्त नहीं करती। स्वस्थ विचार में इसको ऐसे समझो जैसे दूध में से मक्खी निकालना, ऐसे इसका उपचार है। संतरा खा के जो इसका छिलका है उसको आप छाया में सुखा लें, सुखा के उसका पाउडर बना के किसी भी कांच की शीशी के अंदर रख लें, चाहे आप 50 साल रखें, यदि उसमें हवा अंदर नहीं जा रही तो खराब नहीं हो रहा। उसमें से आप जितने जगह पे आपने लगाना, जहाँ गड्ढे पड़े हैं, ताजे गड्ढे हो, वो पुराने गड्ढे नहीं भरते हैं, 4 साल के बाद पुराना गड्ढा माना जाता है, 4 साल से पहले के तो भर जाते हैं। गुलाब जल में उसको अच्छी तरह से लेसी बना के, जैसे मलम होती है, और उन गड्ढों में भर दें अच्छी तरह, और रात को सो जाएं। सुबह उठ के हल्के गर्म पानी से मुंह धोते जाएं, तो कुछ ही समय में वो गड्ढे भर जाते हैं। इस संतरे में गुलाब के जल में गुण है, परंतु खान पान पर विशेष ध्यान देना पड़ता है कि इसमें गेहूं टोटली बंद करनी पड़ती है, चना है, सोयाबीन है, बाजरा है, मूंग है, मोठ है, चुलाई है, सिंघाड़े हैं, ये सारी चीज़ें अपनी इच्छा के अनुसार कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। धो के सुखा के मिला के रख लें, 50 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम तिल भून के मिला के फिर आटा पिसाएं। आटा भी ज़्यादा बारीक नहीं करना, ना इसको छानना। आटा भी हाथ में लेके ऐसे सर के, और इसकी रोटी ताज़ी ताज़ी गर्म गर्म खानी है, जितनी भूख है उतना आटा लेके गूंद के, सख्त गूंदना, और खुले पानी में डुबो के रख देना। इतने में दाल सब्जी जो आपने खानी है, सब्जी का छिलका नहीं उतारना, दाल छिलके वाली लेनी, धुली हुई नहीं लेनी। मिट्टी के बर्तन में पकाएं तो सोने पे सुहागा, नहीं तो आप पीतल का कलाईदार या स्टील के बर्तन में बना सकते हैं। अमोनिया के बर्तन में कभी नहीं बनाना इसको। अब जब दाल सब्जी पक रही तो उसमें हल्दी, काली मिर्च, सिंधा या काला नमक, आयोडीन नमक नहीं डालना। जी जब आपकी दाल या सब्जी तैयार हो जाए, या हरे पत्तों वाली सब्जी बनाई वो तैयार हो जाए, तो उसको बर्तन को नीचे उतार लें, उस आटे को पानी से निकाल के दोबारा गूंदें, वो मुलायम हो गया, सख्त रखा था। अब इसकी रोटी आपकी ऐसे बननी जैसे बाजरे की रोटी होती है। जब रोटी अच्छी तरह सिक जाए तो उसमें थाली में डाल के ऊपर से दाल सब्जी जो बनाई उसको डाल दें, और जो पानी पीने के लिए रखा है उसमें लहसुन प्याज अदरक के रस का, पानी उबालने के बाद जब 15 से 18 डिग्री रह जाए तो ताज़ा लहसुन प्याज अदरक पीस के उसका रस 1 1 चम्मच पानी में मिला दें, बाकी जो कचरा है वो दाल सब्जी में मिला के खा लें। इसका तरीका है कि 2-4 ग्राई खाना खाया, फिर 2 घूंट पानी पिया, फिर 2-4 ग्राई खाना खाया, 2 घूंट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में आपको पूरा 1 घंटा लगाना पड़ेगा, घंटे से ऊपर भी लग जाए कोई बात नहीं। फिर उसके बाद दातन कोला करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठ जाए। वज्रासन से कम आधा घंटा थोड़ा आप टहल लें, फिर एक आधे घंटे के लिए आप शवासन लेट जाएं सीधे, फिर 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें,
उसके बाद सब आसन लेट के बाएं साइड को कर लेके उठे, आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप 8 घंटे की निंद्रा पूरी होकर बिल्कुल फ्रेश हो गए, आपको कहीं कोई दुख तकलीफ नहीं होगी। उसके बाद आपने काम धंधा करेंगे जितना मर्जी करें, आपको थकावट नहीं महसूस होगी। दिन का खाना ये आपने 12 बजे से पहले पहले खाना है, बल्कि सुबह सूर्योदय होने के साथ साथ खा लें तो और भी अच्छा। रात्रि का खाना सूर्यास्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले, और खाना खा के दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन से उठ से कम आधा से पौना घंटा आपको सैर करनी पड़ेगी। फिर घंटा 1.5 घंटा आपने आराम करना, उसमें चाहे आप धार्मिक सीरियल देखें, चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे परिवार में अड़ पड़ोस में रिश्तेदार में बातचीत करें, वो आपकी इच्छा है। रात ठीक 9 से 10 के अंदर सो जाना, सुबह 4 बजे आपको ऐसे लार्म लगे पेट से जैसे घड़ी पे लार्म होता है, एकदम उठ गए तो ठीक है, पेट बड़ा अच्छा नॉर्मल साफ होगा। यदि आलस किया तो फिर कपड़े भी खराब, इसका प्रेशर बनता है। जब आप फ्रेश होके आगे दातन कूड़ा कर लिए तो आधा घंटा कपाल भाटी, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 5 मिनट कुंभक, 1 घंटा लोन रोन करना अति आवश्यक है। जब आप इस क्रिया को करेंगे तो पैर के तलवे से सिर के बाल तक की सब नस नाड़ियों में खून का दौरा ऐसे चलेगा जैसे फुल स्पीड पे गाड़ी चलती है। फिर इसके बाद यदि आपके पास टाइम है तो मंडूकासन, पवन मुक्तासन, गौमुखासन, सब आसन, सर्वांगासन, हल आसन, शीर्षासन, बटरफ्लाई, ये क्रिया यदि आप प्रतिदिन कर लेते हैं 2.5-3 घंटे तो आप ये समझो कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको कोई रोग होगा। जितना आपका पेट अच्छा साफ होगा उतने आप रोगों से दूर रहेंगे। जब भी आपकी पाचन शक्ति कमजोर पड़ेगी, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, खाया पिया पेट में सड़ेगा तो रोगों को निमंत्रण मिलेगा। अब जो तरीका मैंने बताया इसको अपनाते हैं तो आखिरी सांस तक कभी भी आपको किसी डॉक्टर हकीम की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कोई रोग होगा।